अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हिदमत हूँ। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपसे कुछ बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप घर में अपने बालों को कैसे केराटिन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ईजी भी है। वैसे तो आजकल मुख्तलिफ वराइटीज़ आ चुकी हैं पार्लर में, जैसे कि स्टेंसो, रिबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, लेकिन ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बल्कि आपके बालों को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। केराटिन ट्रीटमेंट है क्या? बेसिकली ये एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो आप अपने बालों को देते हैं। बेसिकली केराटिन ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा रफ, स्प्लिटेड या फ्रिजी हेयर्स को दिया जाता है ताकि बाल आपके बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएँ, टेक्स्चर अच्छा हो जाए, शाइनी हो जाए और ईजी टू कैरी हो जाए। हेयर मास्क को यूज़ करने के बाद आपके बाल एकदम से स्ट्रेट नहीं हो जाएंगे, यानी कि रिज़ल्ट थोड़ा स्लो है, लेकिन एक ही वॉश के बाद आपको इसका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिज़ल्ट जो है वो पता चलेगा। करना क्या है, आपको ये हेयर मास्क यूज़ करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है क्योंकि आपके बाल बिल्कुल साफ़ और क्लीन होने चाहिए। तो बताया टाइम जाए तो देखते हैं कि कैसे इस नुस्खे को बनाना है। इसके लिए आपको एक अंडे की ज़रूरत है, एक केला लेना है, एलोवेरा का एक छोटा सा पीस काफ़ी होगा क्योंकि हमने इसकी जेल यूज़ करनी है, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हनी लिया है, शहद लिया है, कोकोनट ऑयल 2 चम्मच आपने ये लेना है, मैदा आपने 2 से 3 चम्मच लेना है, आप चाहें तो कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं, और इन केस अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च भी इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप इसके लिए कॉर्न फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। इसके अलावा दही मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है। इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल देना है और इनको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि किसी किस्म का कोई भी लम्स ना रह जाए। अंडा डालना है, एलोवेरा जेल को दोनों एजेस से काट लेना है और दरमियान से जेल निकाल लेना, दही, मैदा। मैदा यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। नारियल का तेल इसके ऊपर लगा, अब इसको जैसा कि आप देख सकते हैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर बना है। मेरा टेक्सचर बहुत ही स्मूथ बना। तो आपने लगाने से पहले क्या करना है कि आपने बालों के पार्टीशन कर लें और थोड़े थोड़े से बाल ले लें और हाथ की मदद से इसको अच्छे से रूट्स पर लगाएं। मेक श्योर करें कि सारी रूट्स पे आपका ये हेयर पैक अच्छे से लग जाए और ये लगाने के बाद आप बालों को अच्छे से टाई अप कर लें कम से कम 1 घंटे में, और उसके बाद आप धो लें। जैसे कि आजकल सर्दियाँ, अगर आजकल आप लगाते हैं तो 1/2 घंटे से ज़्यादा मत रखें, और अगर गर्मी है तो फिर आप इसको इजीली 1/2 घंटे से ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अच्छे से आप किसी भी शैम्पू से, किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप बाल धो लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। देखना आपको ये नुस्खा कैसा लगा, प्लीज़ यूज़ करें, इसका कैसा रिज़ल्ट आया आपके बालों पर, और मज़ीद आप मुझसे कैसे वीडियोज़ चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं मैं आपसे शेयर करूँ, प्लीज़ डू इन टच विथ मी। इसके लिए आपको करना क्या है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।